uses of डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, चलिए हमको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। सेकेंड वन इज चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन इक्वेशन। थर्ड एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन एन इक्वेशन। तो यहाँ पे हम डायमेंशनल जो एनालिसिस है वो इस तरह से यूज में ले सकते हैं। तो फर्स्ट यूज देख लेते हैं हम लोग, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारे पास गिवन है, गिवन द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इन सीडीएस सिस्टम इज 6.67 × 10⁻⁸ टाइम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, कैलकुलेट इट्स वैल्यू इन एसआई। तो यहाँ पे हमारे पास जो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे आपके पास जो कैपिटल जी है इसकी वैल्यू हमारे पास सीजीएस में गिवन है, आपको इसे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें जी की वैल्यू जो है वो सीजीएस सिस्टम में दी हुई है और इसे हमें कन्वर्ट करना है एसआई यूनिट में। ठीक है, तो जो हमने क्वांटिटीज गिवन है उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं। जी जो है सीजीएस में हमें गिवन है 6.67 × 10⁻⁸। एम जो है मास, इसको हमने एम वन से डिनोट किया हुआ है। फर्स्ट सिस्टम के लिए जो क्वांटिटीज हैं उन्हें एम वन, एल वन और टी वन से डिनोट करेंगे, और जो सेकेंड सिस्टम है हमारा दैट मीन्स एसआई सिस्टम, उसके लिए हम लोग यहाँ पे डायमेंशन को एम टू, एल टू और टी टू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब जो वैल्यू हमें गिवन है हमने यहाँ पे एम वन, एल वन और टी वन के टर्म में लिखा। एम वन जो है वो 1 ग्राम ये, ठीक है, और एल वन जो है लेंथ वो है 1 सेंटीमीटर और टी वन जो है वो 1 सेकेंड। दैट मीन्स सी जी एस में क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ठीक है, इसमें सिर्फ हमारे पास जी की वैल्यू सी जी एस में गिवन है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है एसआई यूनिट में। तो एसआई यूनिट में बात करें तो एम टू जो होता है दैट मीन्स मास, मास जो होता है वो केजी में होगा, एल टू दैट मीन्स लेंथ वो होगी मीटर में, और टाइम पीरियड टी टू वो होगा सेकेंड में। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जी है कैपिटल जी इसका फॉर्मूला जो है उस फॉर्मूला से, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कैपिटल जी है इसका जो हमारे पास ये फॉर्मूला गिवन है तो यहाँ से हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो डायमेंशनल फॉर्मूला और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी जो होगा वो होगा एम माइनस वन, एल थ्री, टी माइनस टू, और सी जी एस में अगर हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी को लिखें तो हमने लिखा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एम वन रेस्ट टू पावर एक्स, एल वन रेस्ट टू पावर वाई, टी वन रेस्ट टू पावर जेड। ठीक है, ऐसे सिस्टम में इसका ऐसे सिस्टम में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एम टू रेस्ट टू पावर एक्स, एल टू रेस्ट टू पावर वाई, टी टू रेस्ट टू पावर जेड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है इसकी डायमेंशन देखें, तो यहाँ पर हमारे पास डायमेंशन जो है x की वैल्यू वो क्या होगी, यहाँ से कंपेयर करें इन दोनों इक्वेशंस को, तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस वन, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू माइनस टू। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डायमेंशनली इक्वेट कर देंगे, तो डायमेंशन फॉर्मूला जो है SI का यहाँ पे और CGS का यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो G इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला एम टू रेस्ट पावर एक्स, एल टू रेस्ट पावर वाई और टी टू रेस्ट पावर जेड इक्स टू जी एस जी सी जी एस एम वन रेस्ट पावर एक्स, एल वन रेस्ट पावर वाई, टी वन रेस्ट पावर जेड। ठीक है, अब हमें क्या करना था, जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो बाकी जो क्वांटिटी है उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन हमारा इस तरह से आया, कैपिटल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी सी जी एस इंटू
एम वन अपॉन एम टू होल रेस्ट पावर एक्स, एल वन अपॉन एल टू होल रेस्ट पावर वाई, टी वन अपॉन टी टू होल रेस्ट पावर जेड। ठीक है, अब सीरीज में जो जी की वैल्यू गिवन है वो हमने यहाँ पर रिप्लेस की 6.67 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 8। यहाँ पे एम वन, एल वन और टी वन ये जो क्वांटिटीज हैं वो हैं सीजीएस में, और एम टू, एल टू और टी टू जो हैं ये क्वांटिटीज हमारे पास एसआई क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग सीजीएस की क्वांटिटीज रिप्लेस कर देते हैं, एम वन की जगह 1 ग्राम और एम टू की जगह 1 केजी। पावर जो है एक्स, एक्स की वैल्यू हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे माइनस 1, एल वन की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, एल टू की वैल्यू 1 मीटर। पावर जो है वाई, वाई को हम यहां से रिप्लेस कर देंगे 3। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टी वन की वैल्यू 1 सेकेंड और टी टू की वैल्यू 1 सेकेंड। पावर जेड, जेड की वैल्यू हम यहां से रिप्लेस करेंगे माइनस 2, तो माइनस 2। अब इस क्वांटिटीज को हम सेम क्वांटिटीज में कन्वर्ट करेंगे, दैट मीन्स किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में। ठीक है, और सेकंड और सेकंड जो सेम क्वांटिटीज में ही है तो उनको एज इट इज रहने देंगे। तो चलिए अब हमने क्या किया, नेक्स्ट इक्वेशन में 1 केजी को लिख दिया 1000 ग्राम और 1 मीटर को लिख दिया 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6.67 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 11। क्लियर, और यही हमारी एसआई यूनिट में वैल्यू होगी। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैपिटल जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीजीएस को एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया। टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन इक्वेशन, तो कोई गिवन इक्वेशन की डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करने के लिए हम इसको यूज में ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पे एक इक्वेशन कंसिडर किया हुआ है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों ही साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन को नोट करेंगे। तो s जो है वो है डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करेंगे, तो उसकी डायमेंशन जो होगी वो l होगी। ठीक है, u जो है वो वेलोसिटी है, t जो है टाइम है, तो इसका जो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला होगा वेलोसिटी का l इंटू टी रेस्ट पावर माइनस 1, और टाइम पीरियड का जो डायमेंशन होगा वो होगा t। सिमिलरली जो है हाफ है, हाफ जो है वो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वांटिटी है वो है a, एसेलरेशन। एसेलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा एल टी रेस्ट पावर माइनस 2, और टी जो है वो टाइम पीरियड, तो टी स्क्वायर हमने यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया इसका। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो है एल, तो राइट हैंड साइड भी हमारे पास एल की टर्म में ही क्वांटिटीज आनी चाहिए। तो देखिए टी इनवर्स और टी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पे टी स्क्वायर और टी, यहाँ पर टी रेस्ट पावर माइनस 2 और टी स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन होगा वो होगा एल इक्वल्स टू एल प्लस एल, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन हैं वो लेंथ की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला जो है डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है। थर्ड यूज, टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज इन एन इक्वेशन, लेट अस फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड कैपिटल टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। द टाइम पीरियड कैपिटल टी में डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट मास स्मॉल एम ऑफ द बॉब, सेकेंड लेंथ स्मॉल एल ऑफ द पेंडुलम, थर्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी एट द प्लेस वेयर द पेंडुलम इज सस्पेंडेड। तो अब देखते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशनशिप जो है इक्वेशन की फॉर्म में किस तरह से इस्टेब्लिश किया जाता है। तो इसके लिए हमने कंसिडर किया हुआ है कि एक पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड कैपिटल टी है, वो डिपेंड कर रहा है बॉब के मास के ऊपर, पेंडुलम की लेंथ एल के ऊपर, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
स्मॉल जी के ऊपर, ठीक है। हमें इन सभी क्वांटिटीज का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन के टर्म में हमें इनका रिलेशनशिप किस तरह से लिखना है उसको देखते हैं। जो हमारे पास जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने रिलेशन लिखा, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम रेस्ट पावर एक्स, एल रेस्ट पावर वाई एंड जी रेस्ट पावर जेड, और वी कैन राइट इट लाइक दिस, टी इक्वल्स टू के एम रेस्ट पावर एक्स, एल रेस्ट पावर वाई, जी रेस्ट पावर जेड। जो के है इसे हम कहेंगे डायमेंशनल, जो के है इसे हम कहेंगे डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो इस इक्वेशन को हम फिर से इस तरह से लिख सकते हैं, हर जो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है उसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है उसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी रेस्ट पावर माइनस टू, ठीक है। तो चलिए अब हम इस इक्वेशन को डायमेंशनल इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे टाइम पीरियड को हमने टी रेस्ट पावर वन से रिप्रेजेंट किया, मास को एम रेस्ट पावर एक्स, और लेंथ को एल रेस्ट पावर वाई, और एक्सीलरेशन को हमने लिखा एल रेस्ट पावर टी माइनस टू इंटू जेड, ठीक है। तो अब इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन है वो उस तरह से आई, एम रेस्ट पावर एक्स, एल रेस्ट पावर वाई प्लस जेड एंड टी रेस्ट पावर माइनस टू जेड, ठीक है। अब हम जो इक्वेशन है, तो अब हमें जो इक्वेशन मिली इसे हम कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कंपैरिजन करेंगे पावर्स का। तो यहाँ पर देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हमारे पास सिर्फ टाइम पीरियड है, मास और लेंथ जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो हम और लेंथ का जो पावर होगा उसे जीरो को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने एक्स को जीरो को इक्वेट कर दिया, और जो लेंथ है लेंथ का पावर जो है वाई प्लस जेड इसे भी हमने जीरो को इक्वेट कर दिया, एंड जो लास्ट टर्म है हमारा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड जो है उसकी पावर जो है वो है माइनस टू जेड, और यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड की जो पावर है उनको हमने इक्वेट कर दिया, माइनस टू जेड इक्वल्स टू वन। अब यहाँ से हमने एक्स वाई और जेड की इक्वेशंस को सोल्व किया, तो हमारे पास वैल्यू आई एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू हाफ और जेड की वैल्यू माइनस हाफ। इन तीनों वैल्यूज को हमने इक्वेशन में रिप्लेस किया, जो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो कुछ इस तरह से होगी, कैपिटल टी इक्वल्स टू के एम रेस्ट पावर एक्स, एक्स की जगह हम रिप्लेस करेंगे जीरो, एल रेस्ट पावर वाई, वाई की जगह हम रिप्लेस करेंगे हाफ, और जी रेस्ट पावर जेड, तो जेड की जगह हम रिप्लेस करेंगे माइनस हाफ। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फर्दर हमारे पास टाइम पीरियड जो होगा वो होगा के अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, तो जो हमारा टाइम पीरियड होगा पेंडुलम का वो होगा टी इक्वल्स टू के अंडर रूट एल अपॉन जी। एक्सपेरिमेंटली जब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं के की, वो वैल्यू हमें टू पाई मिलती है, तो जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो हमें इस तरह से मिलेगा टी इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ लिमिटेशंस हैं, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन, द वैल्यू ऑफ डायमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द मेथड। तो जो डायमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट जो होते हैं उनकी वैल्यूज को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं इस फॉर्मूला से। सेकेंड, दिस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड टू इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये मेथड जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ऊपर अप्लाइड नहीं होता है। थर्ड, इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग मोर देन थ्री फिजिकल क्वांटिटीज। मेथड जो है वो उन इक्वेशंस पे अप्लाई नहीं होता है जिनमें तीन से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज हम यूज में लेते हैं। फोर्थ, इट कैन चेक ओनली वेदर अ फिजिकल रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। इट कैन नॉट टेल
whether the relation is absolutely correct or not. For example, applying this technique equals to ut plus 1 by 4 into at square is dimensionally correct, whereas the correct relation is s equals to ut plus half into at square. डायमेंशनल एनालिसिस मेथड हमें सिर्फ डायमेंशनली फॉर्मूला को चेक करके बताता है कि ये करेक्ट है या रॉन्ग, बट अगर हम इक्वेशन को लिखें s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1 बाई 4 इंटू ए टी स्क्वायर, तो ये इक्वेशन भी जो है डायमेंशनली करेक्ट होगी, बट जो करेक्ट रिलेशन जो होता है हमारे पास वो होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। तो इक्वेशंस में करेक्ट इक्वेशन को हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे यूजिंग डायमेंशनलेस एनालिसिस के थ्रू। उससे सिर्फ हम ये बता कर सकते हैं कि दो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये डायमेंशनली करेक्ट हैं या नहीं है। तो जो हमारा करेक्ट रिलेशनशिप होगा वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो ये इसका एक बड़ा ड्रॉबैक है।